हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने मैथ्स चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में आज आप लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट टर्न पे मैंने आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। आज हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब फैक्टर्स के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर्स में पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले फैक्टर्स होते क्या है ये समझ लीजिएगा। फैक्टर्स इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करना, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मल्टीपल्स कह सॉरी मल्टीपल्स कह सकते हो आप। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको गुणनखंड कहते हैं, उनको फैक्टर कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने बात कर दी जाए कि ऐसे छोटा से ले लिया कि 12 कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे। तो अगर 12 के मल्टीपल देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सारे क्या हैं? 1 भी देखिए 12 का मल्टीपल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। तो इस तरीके से देख कहा जाए तो जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उनको ही फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब सबसे पहले हम फैक्टर में पढ़ेंगे। आज सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और मन लगा के पढ़िएगा। एक एक चीज आज आपकी कवर करेंगे, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। और गुणनखंडों की संख्या में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे काउंट करते हैं? जैसे अगर 12 के मल्टीपल्स की बात की जाए तो कितने मल्टीपल्स हैं, कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो छोटा है तब भी इसको काउंट करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एक इसका शॉर्टकट, जैसे 12 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से काटा 6, 2 से काटा 3, और फिर 3 से काट दिया तो कितना आ गया? 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या बना? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टर बन गया। तो अब इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टर्स का, कि एन बराबर, मैंने मान लिया एन कोई संख्या है, 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c, आगे 7 की पावर d भी हो सकता है। अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी संख्या का, अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो एन बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c, ये कर लिया। इसको करने के बाद अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, सबसे पहले टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुछ मत करिए, इनकी पावर में जो है उनमें एक एक एक्स्ट्रा ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। a+1 × b+1 × c+1, ये इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं कभी भी। जैसे ये देखिए, ये आपने प्राइम फैक्टर किया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, जैसे ही आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 3, और यहाँ पे 1 ऐड किया तो 2, 3 × 2 कितना हो गया? 6। और ऊपर देखिए इसके फैक्टर हैं भी कितने? 6 पूरे टोटल इसके फैक्टर, देखिए कितने, वो भी कितने? 6। तो टोटल इसके फैक्टर कितने हैं? 6। ये तरीका है इसको करने का, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई, अभी सबका मैं एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुछ मत करिए, प्राइम फैक्टर करके उसमें क्या करिए, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हो गया। इसी में ये, इसको हिंदी में कहेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। इसी में बात करते हैं कि अब कभी आपसे पूछ दिया जाए कि इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। तो कभी आपसे ये पूछ दिया जाए इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब भी निकालना है तो जब भी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें 2 को छोड़ के कुछ भी इवन नहीं होने वाला है। 2 को छोड़कर कुछ भी इवन नहीं होगा। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुछ भी मत करिए, सिर्फ आप क्या करिए, 2 की पावर में जो है जो जैसे दिया है वैसे रखिए और बाकी पूरा प्रोसेस सेम, बाकी सब में पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका हो गया। अब इवन का निकालने का तरीका देख लिया, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर अगर कभी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर ये भी देख लीजिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 की पावर वाले को देखना भी नहीं है, भूल जाइए उसको। अगर नहीं देखना है तो ये बाकी जैसे करते हैं वैसे ही करिए, 2 की पावर वाले को यूज मत करिए, बाकी जैसे करते हैं वैसे ही करिए, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अभी मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या किया है कि
इवन के पावर में जो दे रखा है, जो टू की पावर में दे रखा है उसका यूज नहीं किया है, बाकी सब जैसे का तैसा रखते हैं, वैसे ही बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, अगर डी है आगे तो डी प्लस वन, ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। सबसे लास्ट, अगर प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिया, प्राइम का मतलब अभाज्य नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिया, तो बहुत ईजी है। प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर को सीधे सीधे ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। ये याद रखिएगा, ये प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, इस तरीके से करेंगे। अभी एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप कहीं पे जितने भी बच्चे हैं सब इसको कहीं ना कहीं नोट कर लें और मन से करें ये। अगर इतना सीख लेंगे तो दोबारा कभी आपको फैक्टर से रिलेटेड कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही जितना बता दिया मैंने, इसको ऐड आराम से नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज बताई है। अब देखिए, अभी किसका एग्जाम्पल समझिएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे समझाते हैं। एक मैंने छोटी सी संख्या ले ली, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं ली, छोटी सी संख्या ली, उसे कैसे करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 240, 240। अब 240 से पूछ दिया गया कि, हमसे पूछ दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए और प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए कि कितने प्राइम फैक्टर होंगे। ये अगर हमसे पूछ दिया गया तो 240 का सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये देखिए, तो जैसे ही आप गुणनखंड करने जाएंगे तो क्या करेंगे, 240 का ऐसे करिए, 2 से किया 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया तो 1। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 कितनी बार है, 4, 4 टाइम, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब यहाँ से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो उसके लिए मैंने क्या कि पावर्स में एक एक ऐड कर लीजिए। अगर पावर्स में एक एक ऐड करेंगे तो 4 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, 5, फिर एक में एक ऐड किया तो 2, अगर फिर एक में एक ऐड किया तो 2, 5 × 2 = 10 × 20, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। अगर हमसे हमें इवन पूछा गया होता तो इवन के लिए मैंने क्या बताया, 4 को 4 ही रखिए, उसको मत चेंज करिए, और बाकी दोनों में एक एक ऐड करके, तो 4 × 2 × 2 कितने हो गए, 16। अगर हमसे ऑड पूछे जाते तो ऑड के लिए क्या करना है, हमें इवन वाले को भूल जाना होता है और 2 × 2 कर दीजिए, कितना हो गया 2 × 2, ये कितना हो गया 4, ऑड आ गया। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा टोटल कितने हैं 20 और इवन कितने हैं 16 और ऑड कितने हैं 4, ये इस तरीके से कर लिया गया। अब बात करते हैं कि कहीं हमसे इसी में ये कहता है कि इसके प्राइम फैक्टर बता दीजिए कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो कुछ मत करिए, सिर्फ पावर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 × 5 = 6, तो कितने हो गए 6, ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल और लेंगे और सारी चीजें करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर सारे लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, फिर आगे दूसरे एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल कैसे लिया, अब देखिएगा समझिएगा कितनी चीजें शॉर्टकट करने वाली हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। एक मैंने एग्जाम्पल में ये ले लिया कि, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ले लिया कि कुछ 3200 ले लिया, 3200। अब हमें ये कह दिया गया कि इसके भी सारे टोटल इवन ऑड और प्राइम सारे सारे नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, सारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, ये सारी चीजें पूछेगी। तो क्या करिए, मेरी बात समझिएगा कि जब आपको एक जीरो दिखाई दे तो 2 और 5 एक फैक्टर इसका कंफर्म है और जीरो को खत्म कर दीजिए। 10, अगर कभी आपको 2 जीरो दिखाई देते हैं तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लेके 2 जीरो को अपनी तरफ कर लीजिए। कभी आपको ऐसे दिखता है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अगर 3 जीरो दे रखे हैं, ये फैक्टर प्राइम फैक्टर जल्दी करने का तरीका है। ये 3200 दे रखा है तो मेरा ख्याल से 100 का 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कंफर्म हो गया, बचा सिर्फ 32, और 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, तो बना क्या, 2 की पावर 7 × 5 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप लाइन खींच के काटेंगे तो भी फाइनली यही आएगा, तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा तरीका है, कुछ मत करिए। अगर आपको जैसे लास्ट मैंने 240 किया था, 240 के फैक्टर किए थे, अब आपको मैं बता दूं सरल कैसे करना है कि 1 × 2 × 5 जीरो के लिए बन गया, बचा 24, 24 का मतलब होता है आपका जो करेंगे 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 का मतलब 2 की पावर 3 × 3, तो अब ये आपका फाइनली जो बना वो कितना बना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
देख लीजिए लास्ट भी यही बना था, तो इस तरीके से करते हैं। कितना आसानी से मैंने 3200 के फैक्टर किए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये 00 की वजह से किया, और 32 2 की पावर 5 होता है। इसको आने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, बड़े आसानी से निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, कुछ मत करिए, पावर में एक ऐड करिए 8, फिर पावर में एक ऐड करिए 3, 8 × 3 कितना हो गया 24, 24 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन के लिए क्या बताया कि 2 की पावर में जो जैसे दे रखा है उसको वैसे ही नोट कर लीजिए 7, और बाकी जैसे करते हैं वैसे करिए, 7 × 3 कितना हो गया 21। ऑड के लिए क्या करना है, ऑड के लिए 2 की पावर वाले का कोई यूज नहीं करना है, 2 की पावर वाले का कोई यूज नहीं करना, तो बचा कितना 7, 7 का कोई यूज नहीं है तो ये हटा दीजिए, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए 3, तो ये जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो गए वो 3 ही हो गए। अभी आपको कभी प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर पूछ देता है तो कुछ मत करिए, 7 और 2 ऐड कर दीजिए उठा के, 7 और 2 कितना हो गया 9, ये हो गए प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको कहते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, ये विषम गुणनखंडों की संख्या, और ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कई बार इन इस तरीके की चीजें आएंगी, तो ये याद रखिए इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर और प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ इसमें कठिन है नहीं, ये बहुत आसानी से कर सकते हो आप। चलिए और आगे चलते हैं और इसी पे और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, जो अच्छे से समझदारी वाली चीजें हैं उनको नोट करते चलिएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि आप, मैं बात करता हूँ कि ऐसे करके कह दिया गया कि 25, 25 दे दिया गया। 25 के जो गुणनखंड होंगे वो देखिए क्या क्या होंगे, 1, 5 और 25। मेरे ख्याल से इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे अगर 25 के गुणनखंड की बात की जाए। तो जो मेरा कहने का मतलब है उसको यहाँ से बहुत अच्छे से समझिएगा कि सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ दिया जाए, तो सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारी संख्याओं के गुणनखंडों के जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी सम होगी। सिर्फ यहाँ पे लिखे देते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है सभी, यहाँ पे ये भी लिख दीजिए फिर से, अगर सारे पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करें तो सारे जो होल स्क्वायर्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सारे होल स्क्वायर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, विषम होती है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी ले लीजिए, 36 ले लीजिए, 36 को करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 9 है ना, उसके बाद 9 के बाद जो आएगी आपकी 12, 12 के बाद आ गया आपका 18, 18 के बाद 36, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने वही बताया कि सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या जो विषम होती है, तथा बाकी जितनी बची संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ दे, तो बाकी सब सबके गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, इवन होती है, वो कैसी होती है, सम होती है। बाकी सभी संख्याओं इवन होती हैं कि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम होती है, याद रखिए। बाकी सभी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या सम होती है, इनको पॉइंट को ध्यान रखिए, गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो सम होती है, ये बात याद रखिएगा। कि सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ दिया जाए, सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याओं के जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो सम होती है, जबकि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, इस बात को याद रखिएगा। ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और एक दूसरी ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये, और ये दोनों पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा कि सभी अभाज्य जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं,
सबको पता है, सबको पता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबके गुणनखंड दो होते हैं, दो होते हैं तथा उनके वर्गों के, उनके स्क्वायर्स के गुणनखंड बताइए कितने होंगे? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड तो दो होते हैं, बट उनके जो स्क्वायर्स होते हैं ना, उनके गुणनखंड सदैव कितने होते हैं? एंड ऑलवेज लिखे दे रहे हैं, हमेशा तीन होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने तीन, तीन के गुणनखंड क्या है? एक और तीन। लेकिन तीन का स्क्वायर नौ के गुणनखंड क्या होंगे? एक, तीन और नौ, क्योंकि तीन क्या है? प्राइम नंबर है। सेवन ले लीजिए, सेवन का के मल्टीपल्स क्या होगा? वन और सेवन। बट जैसे ही आप 49 की बात करेंगे तो 49 के मल्टीपल्स क्या होंगे? वन, सेवन और 49। क्या और कोई गुणनखंड हो सकते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड दो होते हैं तथा उनके वर्गों के गुणनखंड हमेशा कितने होते हैं? तीन होते हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं यदि उनके स्क्वायर्स के फैक्टर करेंगे तो वो हमेशा कितने होंगे? तीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, हमेशा इन पॉइंटों पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गए होगा, तो ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, उनको याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे का और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बहुत एक अच्छा पॉइंट, कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अब ये पूछ दिया जाए कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग या घन होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, कितने गुणनखंड, मतलब ये बताना है आपको कि किसी संख्या के कितने गुणनखंड होल स्क्वायर होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है, ये घन होंगे। अब एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपसे ये दे दिया गया 72, और पूछ दिया गया कि इसके कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो एक मेरी बात समझिएगा कि पहले से मैं गुणनखंड बताता हूँ, एक होगा, दो होगा, आप भी सोचिए, तीन होगा, चार होगा, पांच नहीं होगा, छह होगा। भाई ध्यान देते जाइए, छह होगा, छह के बाद सात नहीं होगा, आठ होगा, फिर नौ होगा, नौ के बाद आपका क्या होगा? बारह होगा, 12 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 36 होगा और फिर 72 होगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर बने ये आप देख सकते हो आराम से। इसको मैंने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको पहले भी तरीका बता दिया है, तो नंबर ऑफ फैक्टर नहीं बताने, अब आपको ये बताना है कि 72 के कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। तो कौन कौन से गुणनखंड हैं जो इसके पूर्ण वर्ग हैं, देखते जाइएगा। ये 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 36 हो गया। तो कितने गुणनखंड निकले? एक, दो, तीन, चार। अच्छा देखिए, 72 एक छोटी संख्या है। अभी मैंने सपोज करो बड़ी दे दी, मैंने दे दिया कि 5000 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, 5000 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, या कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे। अब इसी में घन पूछ दिया जाए तो एक, एक के अलावा शायद कोई भी इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले तरीके समझिए इसको करेंगे कैसे। तो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन देखने के लिए क्या करते हैं, पहले पूर्ण वर्ग के लिए बता रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग देखने के लिए क्या करेंगे, है ना, होल स्क्वायर देखने के लिए क्या करेंगे, इसके फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 72, 72 का मतलब क्या हो गया आपका, जो हो जाएगा 8 into 9, 8 into 9, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। खैर ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, मुझे पता है, आपको नहीं पता तो आप 72 का ऐसे लाइन खींच के काट के बना लीजिएगा। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब करना क्या है यहाँ पे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि इसको करना कैसे। कुछ मत करिए, इसके पावर को 2 से डिवाइड करिए, जो इनकी खाते हैं इनको 2 से डिवाइड करिए। तो 3 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आएगा, और आपको 1.5 आएगा तो हमेशा इंटीजर लेना होता है, ये बात याद रखिएगा। इंटीजर लेना होता है, पूर्णांक लेना होता है। तो मेरी बात समझिएगा, इसको यूज़ कैसे करेंगे, इंटीजर्स कैसे लेंगे, कि अगर कभी आपका डिवाइड करने पे 1 आया तो आप क्या लेंगे? 2। कभी आपका 1 से लेके 1.9 तक, मतलब 2 से छोटे तक कुछ भी आएगा तो आप हमेशा क्या लेंगे? 1 से लेके 1.9 या कुछ भी आएगा तो तब तक आप क्या लेंगे? 2। लेकिन जैसे ही 2 से लेके 3 से छोटे तक कुछ भी आएगा, 2.99 तक आएगा, तो आप क्या लेंगे? 3 लेंगे। कभी 3 से डिवाइड करने पर 3 से लेके 3.99 तक अगर कुछ भी आ गया तो आप कितना यूज़ करेंगे?
फोर यूज करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भाई, ये बात याद रखिएगा। तो कैसे करेंगे, अब जैसे ही आपने थ्री से डिवाइड किया 1.5 आएगा, मतलब थ्री से डिवाइड करने पर टू से छोटा आएगा, तो इसको हमने टू यूज कर लिया। टू से डिवाइड करने पर वन आएगा, तो इंटू टू कर दिया तो कितना आ गया, फोर। तो कितने मिल गए हमको पूर्ण वर्ग, कितने ऐसे फैक्टर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो आपको मिले चार। और आप काउंट कर लीजिए तो भी कितने हैं, चार। फिर से समझ लीजिए, एक और मैं बताऊंगा, ये छोटा था। बड़े की बात कर लेते हैं, बड़े की बात कर लेते हैं। ऐसे करके किसी ने दे दिया हमको कि भैया ऐसा करिए, ये बता दीजिए आपकी, ऐसा दे दिया कुछ 5600। 5600 के कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, कि कितने गुणनखंड होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब 5600 का पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि बहुत आसान है। 100 का पहले कर लिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये 100 का हो गया। बचा 56, जो कि 8 की 8 7 56, तो 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। आपने फाइनली जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो क्या बना, ऐसे करके 7 की पावर। अब ये बना, अब हमें क्या करना है, पावर को 2 से डिवाइड करना है। जैसे ही आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5, इसको हम यूज कितना करेंगे, 3। जैसे ही आपने 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5, बट इसको यूज करेंगे 1, क्योंकि 0 से लेके 0.99 तक कुछ भी आएगा तो आप इसको क्या यूज करेंगे, 1। एक अगला नंबर यूज करते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो टोटल कितने आ गए, 6। कितने आ गए, 6। ये तरीका है आपका यहाँ पे प्राइम सॉरी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, कि कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइज करके देखिए कैसे करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है भाई, देखिए ये बहुत बेहतर तरीके हैं, इनको आपको करना पड़ेगा, समझते जाइए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीजें भी बन सकती हैं, इन पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जरूर करते जाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने परफेक्ट स्क्वायर की बात की, अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की, कि पूर्ण घन की बात करते हैं, कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे। देखिए एक छोटी सी संख्या ले ली मैंने थोड़ी देर के लिए, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे करके ले लिया कि 432, ये ले लिया। और अगर हम चाहें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 432 है, आप क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए 216, 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 393, ऐसे करके, और ये वन, ऐसे करके मैंने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये आप भी कर सकते हो, बचपन से ये सीखते आ रहे हो, यही सीखा है और इसको अच्छे से करेंगे। अब 432 का जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये देखिए 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर। अब इसमें कैसे देखेंगे कि इसके कितने प्राइम फैक्टर परफेक्ट क्यूब कैसे देखेंगे, ये कैसे देखेंगे कि इसके कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो 2 की पावर 4 है। अब क्या करेंगे, जब हम परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब लेकिन परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपने 4 को 3 से डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यूज क्या करेंगे, 2। जैसे आपने 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, तब भी क्या यूज करेंगे, 2। तो इसके कितने ऐसे फैक्टर मिले जो परफेक्ट क्यूब होंगे, 4। कितने, 4। 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण घन होंगे, जो परफेक्ट क्यूब होंगे। एक बहुत छोटा एग्जांपल लेके दिखाते हैं, जहां पे आपको, जिसको हम पहले फैक्टर करके देखेंगे, 144 के फैक्टर लिख लीजिए, 1 2 3 4, है ना, 5 नहीं होगा, उसके बाद 6 भी होगा, 6 के बाद 7 8, 8 भी होगा मेरे ख्याल से, 8 9 भी होगा, 9 के बाद आप लिखेंगे तो 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 14 15 नहीं होगा, 16 होगा, 16 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 36 होगा, 48 होगा, 72 होगा और 144 होगा। इतने सारे इसके फैक्टर होंगे 144 के, देखते जाइए, रीजन समझिएगा कि ऐसा बता क्यों रहे हैं, इतने सारे इसके फैक्टर होंगे। अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, तो परफेक्ट क्यूब कितने फैक्टर होंगे, देखिए एक आपको ये 1 मिला, दूसरा आपको 8 मिला, तीसरा आपको, तीसरा देखिए क्या कोई और है जो परफेक्ट क्यूब होगा, तो मेरे ख्याल से तीसरा कुछ भी नहीं है। 1 2 3 का 77 होता है, 4 का आपको 64 होता है, वो भी नहीं, तो बाकी मेरे ख्याल से कुछ मिल नहीं रहा, तो 2 ही मिले। अब इसको करेंगे कैसे, ये देखिए
144 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो 69 जा होता है शायद से, 69 जा, तो 69, अब 16 को देखेंगे तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, जैसे ही आपने इस 4 को 3 से डिवाइड किया तो 1 से बड़ा आ गया, तो ये इसको किया 2, और जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो 1 से छोटा आया तो इसको 1 यूज कर लिया, तो 2 इंटू 1, तो फाइनली आपके कितने आए 2। तो ये तरीका है आपको पूर्ण घन देखने का, परफेक्ट क्यूब देखने का। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको परफेक्ट क्यूब देखना है तो आपको किससे डिवाइड करना होगा, 3 से पावर 2 डिवाइड करते हैं, 3 को पावर से डिवाइड करते हैं और इंटीजर्स लेके क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। बड़े प्यार से आप ये कर सकते हो। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया, पहले मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर ये सिखाए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं, बाकी सभी के इवन होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके दो फैक्टर होते हैं, और अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके फैक्टर 3 होते हैं। उसके बाद कि कैसे चेक करना है कि किसी संख्या के कितने फैक्टर जो होंगे वो आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे, ये चेक करना सीखा है मैंने। इतनी चीज़ें सीख ली, अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गुणनखंडों के योग की। अब गुणनखंडों के योग की बात करते हैं, तो कैसे करेंगे गुणनखंडों के योग की, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, अभी मल्टीपल भी देखेंगे, एक एक करके देखते जाइए। बहुत बढ़िया क्लास है, अच्छे से पढ़िए, अभी नीचे मैंने सवाल भी लिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे देखिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कैसे सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए आपसे कह दिया क्या, छोटा सा ले लिया कोई, कि मैंने ले लिया 24, तो 24 के फैक्टर्स होंगे क्या, होंगे 24 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, और 8 के बाद होगा आपका 12 और 24, ये हुए इसके फैक्टर। अब आपको सम ऑफ फैक्टर करना है, सम ऑफ फैक्टर मतलब सबका योग, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 6, 16, 24 और 12 आपका हो गया, और 36, 36 और ये हो गया आपका टोटल 60, कितना हो गया 60। ये तो 24 एक छोटा सा था, तो आपने क्या कर दिया, बड़े प्यार से करके दिखा दिया कि 1 से लेकर 24 तक के सारे फैक्टर लिख लिए और उनको ऐड करके अभी कह दिया 2400 के सारे फैक्टर्स का सम चाहिए, तो आपको ये टिपिकल हो जाएगा। तो इसके लिए भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको वो वही रहेगा, एन बराबर 2 की पावर ए और 3 की पावर बी और 5 की पावर सी, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। बट इसको करने का तरीका कैसे, जैसे सपोज करिए इसका जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे वो क्या होगा, 8 × 3 = 24, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये हो गया। अब 2 की पावर 3, अब देखिए इसको करने का तरीका समझिए कि टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है ना, वो कैसे करते हैं देखते जाइएगा, समझ लीजिएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप करेंगे तो क्या करिए, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और डैश 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 कहाँ तक ले जाएंगे, 2 की पावर ए तक मैक्सिमम जहाँ तक गया होगा। सेम वही करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस डैश डैश जहाँ तक मैक्सिमम गया होगा, यही करेंगे आपका 5 के साथ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और डैश 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 जहाँ तक गया होगा 5 की पावर सी। तो ये आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का तरीका है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये हम आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 3 है, क्या किया मैंने, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर और यहाँ पे 2 की पावर 3, फिर क्या किया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये ले लिया। तो 2 की पावर 0 होता है आपका 1, 2 की पावर 1 हो गया आपका 2, 2 की पावर 2 हो गया 4 और 2 की पावर 3 हो गया 8, और ये 3 की पावर 0 किसी की भी घात 0 होता तो उसका मान 1 होता है और ये हो गया 3। तो ये ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ पे, तो ये 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 1 = 15 और 3 × 1 कितना हो गया 4, 15 × 2 = कितना हो गया 60। ये इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हो। एक और देख लीजिए, एक थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, जैसे आपसे किसी ने कह दिया 480 का निकालना है,
अगर 480 का निकालना तो कैसे निकालेंगे, एक जीरो है तो एक टू और फाइव पहले ले लीजिए, बचा 48, 48 का मतलब 16 थे 48, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 1। ये इस तरीके से आप को जैसे आता है आप वैसे कर लीजिए। अब ये टोटल जो बना वो क्या बना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसको हल कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और डैश 2 की पावर 5, सॉरी प्लस 2 की पावर 5, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कुछ नहीं, ये आपका 6, ये आपका 4, मल्टीप्लाई करते जाइए, ये आपका 32, 16, आप चाहो तो जीपी लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो कोई मतलब नहीं है। ये 8, ये 4, ये 2, ये 1। देखिए उससे कहीं ज़्यादा आसान है, आपको इतना सब देखना नहीं है। 4, 2, 6, 7, 8, 15, 15 और 16 आपका हो गया, और 31, 31, 31 और 32, ये हो गया आपका 63। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 63 × 24, 24 × 3 = 72, 7, 24 × 6 = 144, 144 और 7 आपका कितना हो गया 141। ये आपके गुणनखंडों का क्या क्या योग, ये तरीका है आपको गुणनखंडों का योग निकालने का, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी इसी में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपको बताना है वो ये आपसे ये पूछ दिया जाए कि इवन फैक्टर्स का सम चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे इवन फैक्टर्स का सम करेंगे तो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, मतलब सिर्फ ये 3 और 1, 4 इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 3 और 1, 4 को छोड़ दीजिए तो 56, बाकी सारे इवन ही 56। तो इसका अगर तरीका यूज करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे तो कैसे बनेगा, नेक्स्ट पेज में बताएंगे। बस यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं कि आपको जब भी ये निकालना तो आप 2 की पावर 0 वाले को यूज मत करिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और बाकी वही जैसे इसको यूज कर रहे थे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। ये आपका 14, ये 4 क्या हो गया 56 है। नेक्स्ट पेज पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर समझ लिया, अब अगले पेज पे देखते हैं। आपसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि सम ऑफ इवन फैक्टर या इवन फैक्टर के साथ साथ और एंड कर दीजिए ना और फैक्टर, सम और विषम गुणनखंडों की बात कर देता है, योग की बात करता है, तब कैसे करेंगे। तो फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, इन बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c, 7 भी हो सकता है। तो इवन के लिए क्या करना है और ऑड के लिए क्या करना है देखते जाइएगा। इवन के लिए क्या करना है, इवन के लिए जो रहेगा वो ये होगा कि आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 2 जस्ट 2 की पावर a है ना, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर बाकी सेम, 3 की पावर b डैश डैश 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 डैश डैश 5 की पावर c। ये हो गया आपके इवन के लिए, इवन के लिए। ऑड के लिए क्या करेंगे, ऑड के लिए 2 वाले को भूल जाओ, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 डैश डैश डैश, फिर और बाकी जैसे करते हो वैसे ही करना है ना, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 डैश डैश 5 की पावर c। ये समझ लीजिए, इवेंट वाले का कोई भी यूज नहीं है, ये बात याद रखें। आप एग्जाम्पल समझिए दोनों का, एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। जैसे मैंने से किसी ने कह दिया कि भैया 72 के इवन फैक्टर्स का समझिए, तो 72 के फैक्टर्स आप मत करिए, कैसे करेंगे, तो हो गया आपका 8, 9 = 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो अगर आपको इवन वाले का निकालना है और ऑड वाले का निकालना है, दोनों कैसे निकाल सकते हैं। इवन का निकालने का तरीका बहुत आसान है, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, ये बात याद रखिए, सिर्फ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। जी अब ये क्या हो गया, 8, 8, 4, 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 इंटू, जैसे ये करेंगे तो ये हो गया 1, 3 और 1, 4, 4 और 9, ये 9, ये 3 और ये 1, तो ये कितना हो गया 9, 3, 12 और 1, 13, 13। तो जैसे ही इनका मल्टीप्लाई करेंगे 182, ये हो गया इसका आंसर। जब ऑड की बात करें तो इवन वाले का कोई यूज नहीं है, 3 की पावर 0,
थ्री की पावर वन और थ्री की पावर टू, ऐसे ही आप करेंगे तो पहले भी कर चुके हैं तो कितना आ गया 13। अब आप देख भी सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आप देखना चाहें तो बड़े प्यार से देख सकते हैं 72 के फैक्टर में क्या क्या होगा, ऑड और ऑड का सिर्फ बता रहा हूँ, एक तीन और नौ, इन तीन को छोड़कर कोई भी और फैक्टर नहीं होगा। एक तीन और नौ का योग करके देख लीजिए तो कितना होगा 13, और यहाँ से बड़े प्यार से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखिए कि ऑड के लिए इस नियम को फॉलो करेंगे और इवन के लिए इस वाले को फॉलो करेंगे, बेहद याद रखिएगा। ऐसे करके ही इनके आप सम ऑफ इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, मैंने सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बता दिया है, मैंने सम ऑफ इवन फैक्टर बता दिया है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स बता दिया है। अब बात करते हैं मल्टीपल्स की, अब बात करते हैं कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मल्टीपल कर दीजिए, या ये कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स तो देखते जाना बहुत अच्छे से। मैंने लिया 12 के, 12 के गुणनखंडों का ये कह दिया जाए कि गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, 12 के फैक्टर्स का मल्टीपल क्या होगा, आपस में मल्टीपल क्या होगा। तो 12 के फैक्टर के लिए क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा 12। तो 12 के जो टोटल मल्टीपल आए वो यही तो आए, और सबका मल्टीपल मल्टीप्लाई करना, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12। अब ऐसे ही करोगे तो ये क्या हो गया, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, और 24 144, 144 × 12 144 × 12, ये हो गया है ना। तो ये कह सकते हो ये 12 की पावर 2, ये 12 की पावर 1, तो फाइनली कितना बन गया 12 की पावर 3, ये होता है आपका 1728। इसका मैंने शॉर्टकट सिखाया आपको 1728। तो ये कितना आपको मतलब, अब छोटा सा मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, मैंने याद हुआ तो मैंने बताया था कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर सारे सारे नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 12 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो रहा है 12, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो रहा है 12, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो रहा है 12। मतलब हर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके वही बन रहा है जो मेरी नंबर थी। तो यहाँ से अगर हम सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहें तो आप सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में ये नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि जो नंबर दे रखा है नंबर की पावर फैक्टर्स बाय टू, यहाँ पे लिख देते हैं जो संख्या दे रखी है नंबर दे रखा है उसकी पावर जितने फैक्टर्स हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय टू। बड़े प्यार देखिए कैसे, ये 12 है फैक्टर, देखिए 12 के इसके कितने हो रहे हैं 3, 3, 6, 6/2। तो सीधे सीधे मेरा आंसर नहीं आ गया 12 की पावर 3, सीधे सीधे आंसर मिल गया 12 की पावर 3, ये सीधा सीधा आंसर हो गया। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो आराम से देखिए अगला समझिए कैसे करेंगे। अब जैसे आपसे ये कह दिया गया थोड़ी सी बड़ी संख्या ले ली, बड़ी संख्या क्या ऐसे करके ले ली कि 1200, 1200 के गुणनखंडों के गुणनफल बताने हैं। तो मेरी बात याद रखिए भैया कि 1200 के गुणनखंडों के गुणनखंड लिखने में आप खत्म हो जाओगे, करना तो बहुत दूर की बात है। तो 00 है तो 1 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से आपने 100 को खत्म कर लिया, बचा 12, 12 का मतलब 4 × 3 = 12, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ये हो गया आपका जो फाइनली बना 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ये बना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो 1 ज्यादा 5, 1 ज्यादा 2, 1 ज्यादा 3, 5 × 15 = 20, 30 अगर आपसे गुणनखंडों का गुणनफल की बात की जाए तो 1200 की पावर 30/2 करेंगे तो कितना आ गया 15। तो गुणनखंडों का गुणनफल कितना आ गया 1200 की पावर 15। अगर 1200 के गुणनखंडों के गुणनफल की बात करें तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 1200 की पावर 15। अगर कभी ऐसे कर दिया जाए, सपोज की परफेक्ट स्क्वायर संख्या ले लिया 36, 36 ले लिया जाए तो 1, 2, 3, 4 है ना, और आपका 6, 6 के बाद होगा आपका 9, 9 के बाद, 9 के बाद होगा आपका, हाँ 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 36। देखिए 36 और 1 का गुणनफल 36, 2 और 18 का गुणनफल 36, 3 और 12 का गुणनफल 36, 4 और 9 का गुणनफल, 6 अकेला बच गया। तो फिर से तरीका वही लगाइए, 36 गुणनखंड कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 36 की पावर 9/2।
तो 36 की पावर अगर आप 9 बटे 2 4.5 करेंगे तो ये इसका गुणनफल करेगा, या 6 की पावर आप ये कह सकते हो 6 की पावर 9। ये एक एक दो एग्जांपल समझ लीजिएगा अच्छे से, आपका ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी हो गया। कैसे देखिए, एक एग्जांपल समझिएगा, एक तो कैसे करेंगे, या देखिए इधर देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी खत्म हो जाएगा आपका। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कैसे करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे समझिए। कि आपसे ये कह दिया गया कि कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि 240 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए, तो 240 का 2 × 5 से आपका 10 खत्म, 24 बचा, 24 8 3 24 2 की पावर 3 8 3 की पावर 1, ये हो गया आपका। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ये बना फाइनली। तो टोटल फैक्टर कितने बने, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 बना, 20 बचा। तो अगर हम 240 की पावर 20 बटे दो 10, ये आ गया 240 के गुणनखंड होगा, गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये आ गया 240। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बताने लायक मैंने आपको बताई। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दो चीज़ें और, एक दो पॉइंट और बता देते हैं। जैसे आपको 36 के फैक्टर की बात की जाए, तो 36 के फैक्टर जो भी लिखे थे आपने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रफ करके बता देते हैं 36 के फैक्टर, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 36 के फैक्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, देखिए 36 के फैक्टर 36 के फैक्टर मैंने लिख लिए 1 2 3 4 5 सॉरी 5 नहीं 4 6 6 9 9 के बाद आपका 12 18 36। देखिए 6 जो इसका स्क्वायर रूट है 36 का, इसके पहले जितने गुणनखंड हैं उतने ही गुणनखंड इसके बाद हैं, जितने इसके पहले गुणनखंड हैं उतने ही गुणनखंड इसके बाद हैं। तो याद रखिएगा कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का गुणन कह रहे हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं, तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसके पहले जितने स्क्वायर फैक्टर होंगे उतने ही फैक्टर उसके जस्ट बाद में होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें थी, अब इनके क्वेश्चन करते हैं, इनके थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने आपसे। कह रहे हैं 4800 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कि 4800 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 4800 के गुणनखंड देखने तो बड़े आसानी से देख सकते हो, देखिए 4800 मैंने क्या बताया, 4800 में दो जीरो से मतलब आपका 100 हो गया, 100 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और बचा कितना आपका 48, 48 को कर लीजिए 16 तीन 48, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, तो फाइनली कितना बन गया 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ये 4800 के कुल कितने गुणनखंड है, तो अब सबको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो टोटल के लिए मैंने क्या बताया, 6 में एक जोड़ा 7, 2 में एक जोड़ा 3 और 1 में एक जोड़ा 2, 7 21 दूना कितना हो गया 42। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 42। ये बात याद रखिए, अगर सपोज के भी इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ देता तो इवन के लिए क्या करते, 6 को 6 रहने देते, बाकी वैसे ही ये 36। अगर ऑड पूछ देता तो कुछ नहीं करते, 2 की पावर वाले को भूल जाते, ये 3 × 2 बाकी वैसे ही 6। देखिए इवन और ऑड मिला के इस टोटल के बराबर हो रहा है, तो आपका बराबर सही है। खैर जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 4800 के कुल कितने गुणनखंड है, तो कितने गुणनखंड होंगे 4800 के 42, ये आ गया समझ में 4800 के। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बन रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों का आपको क्या चाहिए, योग चाहिए 360 के सभी गुण। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, 360 की बात कर रहे हैं। तो 360 में आप 10 2 × 5 एक जीरो को एडजस्ट कर दिया, 36, 36 क्या होता है 9 × 4 = 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हो गया। तो अब आप करेंगे कैसे इसको, ये कितना बन गया 2 की पावर 3, ये बन गया आपका 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब आपको बताना है तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। चलिए ठीक है भाई, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये हो गया। अब 5 की पावर 0 जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जीरो से उठा के करते जाइए, ये आपका 5 × 5 और ये 6, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 3, ये 1, 9 × 3 = 12, है ना, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 4, ये 2 और ये 1, 8 × 4 = 12, 13, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 14 = 15, ये
ये हो गया आपका 15 × 13 × 6, फाइनली आपका आंसर आ गया 15 × 13 × 6। देखिए गुणा कितना आसान है, 15 × 6 = 90, 10 वहां से छोड़िए, 13 × 9 = 170, तो 1170। गुणनखंडों का गुणनफल कितना आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्राइम फैक्टर के स्क्वायर 2 की पावर 0 से, और फिर इसका आपको कैलकुलेशन करना है जो कि मैंने आपके सामने किया है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए अगला देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे समझ लीजिएगा, इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए इसको करने का आसान तरीका, ये क्या दे रखा है, 6 की पावर 11, 6 की पावर 12, 6 की पावर 13, 6 की पावर 14। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है देखिएगा, यहाँ से इससे कॉमन क्या मिल रहा है, 6 की पावर 11। आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3, ये बचा। तो 6 की पावर 11 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 11 हो गया। अब अंदर जो है उसको सॉल्व करिए, ये 1, ये 6, ये 36, ये 216, सबको ऐड कर लीजिए, क्या बना, 6 × 1 = 7, 7 × 36 कितना हो गया, 43, 216 और 43 उठा के ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया 259, ये हो गया आपका 2 की पावर 11, 3 की पावर 11 और 259 के फैक्टर कर लीजिए, किसी से कट रहा है तो काट लीजिए, तो ये आपका एक बार फिर 36, 259 हो गया। अब देखिए क्या ये किसी से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 7 से काट के देखिए, 7 × 3 = 21 और कितना बचा, 4, 7, 37, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये कर लीजिए 7 की पावर 1 और 37 की पावर 1, अब इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, क्या करिए, एक एक ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 144, ये 4, मल्टीप्लाई करिए, 16, 7, 576, ये इसका आंसर हो गया 576। अगला देखिए, ये आ गया समझ में, ये दे रखा है कितने वर्गों द्वारा विभाजित होगा। देखिए n की पावर क्या दे रखा है, n बराबर 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर। अब इसको 2 से डिवाइड करिए तो 4.5, 5 यूज़ करिए, 7 से डिवाइड करिए 3.5, 4 यूज़ करिए, 3 यूज़ करिए, 2 से डिवाइड किया 1.5, 2 मल्टीप्लाई करिए 20, 6, 120, ये हो गया आपका आंसर। अब फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ उतार लिया, 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, 9 से डिवाइड किया 2, 9/2 जैसे ही करोगे 4.5, इंटीजर यूज़ करोगे तो 5 यूज़ करो, 7/2 करोगे तो 3.5, इंटीजर यूज़ करोगे तो कितना यूज़ किया, 4, 4/2 तो 2 आया तो 3 यूज़ किया, मैंने बताया ऐसे यूज़ करेंगे तो 120 आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया बड़े प्यार से आसानी से। अगर सेम इसी सवाल में एक पूर्ण वर्गों द्वारा पूछ रहा है, अगर पूर्ण घन द्वारा पूछता कि सपोज यही सवाल ये परफेक्ट क्यूब के लिए पूछ दिया, यही सवाल सेम सवाल एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, परफेक्ट क्यूब के लिए पूछ दिया, 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3, इन्होंने परफेक्ट सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया, 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 4 यूज़ कीजिए, 7 को 3 से डिवाइड किया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 यूज़ कीजिए, ये 2 आई गया और यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया, आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया 4 × 3 = 12 कितना हो गया 48, ये परफेक्ट क्यूब के लिए हो गया। डिपेंड करता है क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपका स्क्वायर पूछा था, आंसर 120। देखिए जितने भी लोग हैं अच्छे से पढ़ाई करिए, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई बजाय आप, है ना, ये बात याद रखिए। अगला देखिए, इसके बाद ये दे रखा है, हाँ ये देखिए दे दिया गया क्वेश्चन, एक परफेक्ट क्यूब के लिए भी क्या दे रखा है, एन बराबर 12 की पावर 9 में कितने परफेक्ट क्यूब द्वारा विभाज होगा, डिविजिबल होगा, कितने ऐसी संख्याओं से डिविजिबल होगा जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो 12 की पावर 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यहाँ कभी ये मत करिएगा कि 12 की पावर 9 को यहाँ 3 से डिवाइड किया ये 4 आ गया, भाई सबसे पहले ये देखिए ये जो नीचे है ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 9, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 18 और 3 की पावर 9, अब हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कर लीजिए इसको, जैसे 18 को 3 से डिवाइड किया 6 आया तो 7 यूज़ करिए, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 4 यूज़ कीजिए, तो इसके कितने आ गए 28। एक बार फिर से समझिए, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आसानी से कर सकते हो, 12 की पावर 9 है,
ट्वेल्व की पावर नाइन, ट्वेल्व के पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के ये बन गए, देखिए टू की पावर टू इंटू थ्री पावर नाइन पहले से था तो ये एटीन, टू की पावर थ्री की पावर नाइन, एटीन को थ्री से डिवाइड किया सिक्स बार गया, सेवन यूज़ किया, नाइन को थ्री से डिवाइड किया थ्री बार गया फोर यूज़ किया तो 28, ये हो गया आपका। ऐसे करके ये करेंगे, अगला देखिए नेक्स्ट देखिएगा तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, कह रहा है वन और रूट, देखिए इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ से, वन क्या कह रहा है, वन और रूट एन, वन और रूट एन के बीच में 19 गुणन, वन और रूट एन के बीच में एन के 19 गुणनखंड है, तो एन के गुणनखंड अगर इनके बीच में 19 गुणनखंड हैं तो भाई ये इसके पहले कितने, रूट एन के पहले कितने गुणनखंड हो गए 20, तो रूट एन के बाद में भी कितने होंगे 20। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपके किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से पहले जितने स्क्वायर रूट से पहले जितने फैक्टर होंगे उतने ही फैक्टर उसके बाद में होंगे, तो 1 और रूट 19 के बीच में 19 है तो मतलब रूट 9 एन से पहले 20 हो गए, तो रूट एन के बाद कितने होंगे 20, 20 वो 20 है 40 और 1 मिला के टोटल कितने हो गए 41, जो जो सही आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया 41, जो आपका सही आंसर है वो क्या है 41, कुछ नहीं बहुत आसान है इसी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं करना, जो 41 आपका सही आंसर है, 41 आपका सही क्या कहा है, 1 और रूट एन के बीच में एन के 19 गुणनखंड हैं, तो 1 और रूट एन के बीच में 19 हैं तो रूट एन से पहले 20 और रूट एन के बाद 20, टोटल कितने हो गए 41, 30 और 28 इसलिए नहीं आंसर होगा क्योंकि एन एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, इस वजह से तो थोड़ा आंसर कितना होगा 41, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कह रहा है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें स्थान पर है और 35वें स्थान पर है संख्या एन के बराबर हो तो पता लगाइए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया, इसका पहले एक एग्जांपल समझाते हैं फिर समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपसे कहते हैं कि 12, 12 एक दो तीन चार छ, इसके बाद आपका 6 हो गया और 12, अब आपसे कह दिया जाए कि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो दूसरे स्थान पर है और जो शुरुआत से दूसरे और शुरुआत से ऐसे कहता है शुरुआत से दूसरे और शुरुआत से पांचवें स्थान पर है, शुरुआत से दूसरे और शुरुआत से पांचवें स्थान पर है इनका गुणनफल संख्या के बराबर है, देखिए 2 और 6 का गुणनफल 12 के बराबर है और अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, कि शुरुआत से जो दूसरे स्थान पर है, और देखिए अब यहाँ से एक मेरी बात याद रखिएगा, एकदम आसान सी बात है कि अगर ये शुरुआत से दूसरे स्थान पर है तो ये अंत से दूसरे स्थान पर होगा, ये बात एकदम याद रखिएगा, ये शुरुआत से दूसरे स्थान पर है तो ये अंत से दूसरे स्थान पर है, तो अगर ऐसी बात कह रहे तो अगर कोई शुरुआत से 19वें स्थान पर है और दूसरा अंत से 35वें, देखिए ये शुरुआत से दूसरे स्थान पर और ये अंत से दूसरे स्थान पर, तो अगर अंत से दूसरा और शुरुआत से पांचवा यही है तो 2 + 5 - 1 कर दीजिए, जैसा कि रीजनिंग में बताया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना का 6 है, आप इसमें भी वही करिए 19 और 35 को जोड़ के 1 लेस कर दीजिए तो टोटल कितना गया 53, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 53। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, यदि उन गुणनखंडों का 19वें जो शुरुआत से 19वें स्थान पर है और वो शुरुआत से ही 35वें स्थान पर है, तो ये अगर शुरुआत से 35वें स्थान पर है तो ये लास्ट से एंड से 19वें स्थान पर होगा, तो इन दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें जो मिलेंगे वो कितने मिल गए 53। ये इसको करने का तरीका, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो आराम से, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मैंने आपको दे रखा है ना। चलिए अगला करते हैं, कह रहे 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड होंगे, देखिए यही सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, तो 225 से कम, 225 से कम की बात कर रहा है, तो 225 से कम, 225 15 गए, किसका स्क्वायर होता है 15, तो 15 से कम कितनी संख्याएं होंगी 14, 14 संख्याओं मतलब 1 ले लीजिए, विषम गुणनखंड सारे परफेक्ट स्क्वायर का होता है और 225 से कम जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होंगी वो होंगी 14, ये बात याद रखिएगा, 225 से मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी इस तरीके की बात आ जाए कि विषम गुणनखंड की बात कर रहा है तो विषम गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याओं का होता है, तो 225 से कम कितनी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या होंगी, तो आंसर क्या देंगे 14,
225 से कम, अगर 225 तक कहता तो 15 आंसर आता, तो 225 से कम कितनी होंगी, 14। मैंने बहुत अच्छे से बताई ये चीजें, जो लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे मेरे ख्याल से उन्हें कभी भी फैक्टर के किसी भी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं पी और क्यू हैं, तो पी क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमेशा याद रखिएगा दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्या उठा ली मैंने, 3 और 5 दो संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितने, तो कितना हो गया 15, और 15 के न्यूनतम गुणनखंड देखेंगे तो 1, 3, 5, 3, 5 तो रहेगा ही, 1 और 15 खुद इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमेशा इसके न्यूनतम गुणनफल कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। कोई भी उठा लीजिए आप, 2 × 3 उठाइए कितना हो गया, 6। कितना होगा, 1, 2, 3 और 6, ये बात याद रखिएगा, हमेशा न्यूनतम इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 14। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं के कोई भी दो उठा लीजिए, 3 और आपने 11 उठा लिया, 3, 11 तो होगा ही, इनका गुणनफल 33 भी है, इसका गुणनखंड हो जाएगा और 1 भी, तो टोटल आंसर इसका कितना जाएगा, 4। आंसर कितना होगा, 4। अच्छे से समझ लीजिए। अगली बात, अगला, दो अंकों वाली कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छे से बताया, 3 गुणनखंड सिर्फ उन संख्याओं के हो सकते हैं, 3 गुणनखंड सिर्फ उन संख्याओं के हो सकते हैं जो अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो, जो अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो। तो अब मेरी बात यहाँ पे यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि एक 16, सॉरी 16 नहीं, 25, 25 के 3 गुणनखंड होंगे 1, 5 और 25। आप 49 को ले लीजिए, अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर 5 का 7 का, और सिर्फ यही, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 डिजिट की होगी, 2 डिजिट में होगी नहीं, 1, 7 और 49। तो दो अंकों के सिर्फ 25 और 49, ये तो ऐसी संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड होंगे, इसके अलावा कोई भी, कोई क्योंकि 5, 7 को छोड़ के कोई है ही नहीं, तो अब आपका जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दो अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल गुणनखंड कितने होंगे, 3। बहुत अच्छे से याद रखिए, ये बहुत अच्छे सवाल है, कुछ नहीं करना। मैंने पहले भी बताया कि अभाज्य संख्याओं के, जो अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, 2। लेकिन जो अभाज्य संख्याओं के वर्ग होते हैं उनके गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य संख्याओं के जो वर्ग होते हैं, जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स होते हैं, प्राइम नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, उनके जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगला एक आखिरी सवाल है, उसको देखिए, कह रहा संख्या 4800 के गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। देखिए बड़ा आसान है, ये क्या है, 4800, 4800 है, तो 4800 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर, ये आपका 4800, 100 को कर दिया 48 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, तो फाइनली कितना बना, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1। टोटल गुणनखंड निकाल लीजिए, 7, 7 में 21, 22 कितना आ गया, 42। तो आपको क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए जो संख्या है उसकी पावर में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसमें 2 से डिवाइड कर दिए, तो 42 में 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, 4800 की पावर, किसे एक पकड़ो, समझिए 4800 था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले कितने आए, 42, 42 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 21। ये आपका हो गया, यहाँ तक अब आपका ये पूरा इतना निपट गया, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद ये आपका खत्म हो गया, अगले टर्न पे मैं नंबर ऑफ जीरो को डिस्कस करूंगा और पूरा डिटेल में करेंगे, ये भी मैंने पूरा डिटेल में किया है। भाई जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी भी, ये सोच रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो याद रखिए इसको बहुत, पूरे वीडियो को मन से देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू भाई।